लक्ष्मी एडुकेशन सेंटर ने लगाया ट्रेनिंग कैंप, दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ प्रशिक्षण देने की तैयारी। लक्ष्मी एजुकेशन सेंटर ने दिव्यांग और सामान्य बच्चों के लिए समर कैंप लगाकर घर की सजावट, मूर्ति आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया। संस्था के कर्ता चाहते हैं कि दिव्यांग और सामान्य बच्चे एक साथ मिलकर आपस में रहना, बातचीत करना, खेलने के साथ घर की सजावट का सामान बनाना सीखें। इन बच्चों के बनाए सामानों को विंध्य व्यापार मेले में बेचा जाएगा। ये समर कैंप बच्चों के लिए लगाया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के साथ में सामान्य बच्चों को भी रखा है, जिससे कि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। सामान्य बच्चे विकलांग बच्चों के साथ रहते रहें और उनको समझें, उनको अपने से अलग ना समझें। और ये सब की तैयारी कराई जा रही है समर कैंप के माध्यम से। और जो जितना भी कुछ बनेगा, ये सब विंध्य महोत्सव में एग्जीबिशन लगाई जाएगी, जिसके कारण जो भी हमारा उद्देश्य एक यही है कि जो भी सामान्य बच्चे हैं वो विकलांग बच्चों को अपने साथ में रख के कार्य करें। और इसमें जो भी सामान सिखाया जा रहा है, वेस्ट मटेरियल, जो अपना पेपर है उसको किस तरह बनाना है, उसके सामानों को उस तरह सिखाया जा रहा है। और मैं साइन लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ, मैं सांकेतिक भाषा में इन बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। और अभी हमारे यहाँ पर संस्था में समर कैंप और वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की गई है, जो कि पूरी तरह से फ्री है। मेन इस ट्रेनिंग का जो मोटिव है वो दिव्यांग बच्चों और सामान्य बच्चों को एक साथ ला करके ट्रेनिंग कराना है, ताकि कभी वो उनको देखते हैं या मिलते हैं तो उनके अंदर जो एक भेदभाव है उस भावना को ख़त्म करना है, जो लोगों के प्रति उनकी धारणा है कि अरे अगर सुनते बोलते नहीं है तो ये क्या करेंगे, अगर किसी के आँख नहीं है या हाथ पैर नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो इन चीज़ों को हटा करके एक बच्चों से शुरुआत करके, क्योंकि हम बड़ों को एक एक नहीं समझा सकते, मगर बच्चों के अंदर उन चीज़ों को हटा करके और ये शुरुआत कर सकते हैं।